नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। यूक्रेन के एक गांव विलो होरिवका के एक स्कूल पर रूस द्वारा किए गए बमबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे अन्य 60 लोगों की अभी हालत नाजुक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया, जहां राष्ट्रपति ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस संस्थान से निकला हर छात्र बहुत ही काबिल बनने वाला है और अब यहां का युवा दूसरों को भी रोजगार देगा। गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्ति कर्मियों को रोजगार सुरक्षित करने की सुविधा के लिए CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है। यह पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार खोजने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने डॉक्टर के खिलाफ बढ़ती हिंसा तथा झूठे मामले दर्ज किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। CJI ने कहा कि डॉक्टरों को काम करने के बेहतर और अधिक सुरक्षित माहौल की जरूरत है। भारत ने उन खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली ने श्रीलंका को अपनी $1 अरब की क्रेडिट लाइन के तहत वाटर कैनन व्हीकल की आपूर्ति की थी। नीट PG परीक्षा स्थगित नहीं होगी, निर्धारित तारीख पर 21 मई को ही परीक्षा कराई जाएगी। PIB ने जारी किए गए नोटिस को फर्जी बताया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून का किया बचाव, कहा यह पिछले 10 दशक से समय की कसौटी पर खरा उतरा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी व्यक्ति को असम में विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा भारतीय नागरिक घोषित किया गया है तो उसके खिलाफ न्यायाधिकरण में दूसरी बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उस पर विदेशी होने का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने दलित युवक V नागराजू के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जिसकी इसी सप्ताह मुस्लिम युवती से शादी करने पर मुसलमानों ने हत्या कर दी थी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री प्रमोद माधव राज कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। माधव राज पहले कांग्रेस पार्टी में थे। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का अभियान शुरू कराने के बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों से 1 लाख से अधिक लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, अब यह किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं लगेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में दिलचस्प बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि उनके बयानों की कोई फिक्र नहीं करते। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और 20 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने के दावे के साथ दिल्ली सरकार ने इस साल रोजगार बजट पेश किया है। इसके तहत सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है और कहा है कि ये लोगों को रोजगार देने में मदद करेगा। दिल्ली के भाजपा नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत, अगली सुनवाई तक मोहाली कोर्ट के गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर लगे जमीन पर कब्जे के आरोप, गृह मंत्री अनिल विज ने पलवल DC को दिया जांच का आदेश। केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक यात्री की खाई में गिरने से मौत हो गई, पुलिस ने शव को निकालकर पहचान शुरू कर दी है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।